निडर बोलना चाहिए। आप तो किसी को कह रहे हैं अच्छा कर रही है, पता नहीं कैसे आप बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कैसे बोल रहे हैं, पर हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, जस की तस तमाम समस्याएं पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम है, चरम सीमा पर है। हम लोग भी बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना कमीशन बिना घूस के काम नहीं करता है, सारा सिस्टम फेल है। तो ये तो कोई बाहर जनता देख रही कि कोई ना तो कोई नेता से बात कर पाता है, ना कोई काम कर पाता है। और जितने विकास के कार्य हमारे रघुवर जी के सरकार में हुआ था, आज तमाम चीजें पेंडिंग पड़ी पड़ गई और सारे काम रुक गए, सारे बातचीत बाधित हो गए। वही उसके साथ रहने वाले दो पांच लोग चार लोग जो भी लोग हैं आप तो जानते हैं, अभी तो मैंने नाम कहा तो आप सुन ही लिए, आप कुछ कुछ सुन लेते हैं, तभी आप ही ने उल्टा क्वेश्चन किया कि बहुत अच्छा कर रही, तो अभी मेरा भी नाम सुन, मैंने जो नाम बताया वो नाम तो आप सुन लिए हैं। मुख्यमंत्री लगने की बात नहीं है, लोग अच्छा दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रहे हैं, झारखंड के निर्माण के लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन के लिए लगेंगे लोग। ये जो सात मुख्यमंत्री आप जो बोल रहे हैं ना, ये सातों पूर्व मुख्यमंत्री ये झारखंड के नव निर्माण के लिए, झारखंड की जनता के समस्याओं के अंत के लिए, झारखंड की उन्नति प्रगति और विकास के लिए पांचों सातों मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं जो लगे हुए हैं, तो इसलिए लगे हुए हैं, वो हेमंत सोरेन के लिए नहीं लगे हुए हैं। अरे सरकार आती है और कुछ कुछ योजना का निर्माण करती है, चुनाव तुरंत होने वाला है तो उनको लगा कि हम चुनाव के जस्ट नजदीक में कुछ योजना ले आएंगे और अगर हम योजना में कुछ पैसा दे देंगे तो वोट ले लेंगे। तो ये वोट लेने का सीधा योजना है और इसके लिए उस योजना को उन्होंने अभी लाए, पांच साल पहले लाना चाहिए था। और जनता को हम लोग कुछ देते हैं तो जरूर देना चाहिए, जनता के लिए हम कहते हैं कि आप देना ही चाहते हैं तो हम लोग तो पहले भी कहते हैं कि आपको झारखंड में तमाम हॉस्पिटल में हर एक व्यक्ति का मुफ्त में इलाज कराना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का एजुकेशन जो है फ्री में कराना चाहिए, पूरा मैंने कहते हैं एमए लेवल तक करा दीजिए, और भी गरीब बच्चों को एमबीबीएस कराइए, गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग कराइए, लॉ कराइए, तो ये सब मुफ्त में कराइए ना। ये जो है चुनाव में क्या बोल रहे हैं, ये तो आप जो भाषा में बोलेंगे कि भाई भाषा तो राज पत्रकार लोग बोलता है, आप जो भाषा बोल दीजिएगा भाई चलिए वही चलेगा, पर तो नहीं जनता जनता पूछे कि मैं जवाब दूंगा, ये तो आप पूछ रहे हैं ना, तो आपकी भाषा है, आप पूछ रहे हैं, आप मीडिया है, आप पूछ रहे हैं, आपकी जितनी समझ है अच्छी बात है। आप तो ये क्वेश्चन आपने किया ना, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये प्रश्न आपका है। ये इसलिए मैंने तो इतना लंबा जवाब दिया, आप तो सुन ही लियो। मैंने कहा कि घर में सुकून मिलता है, हम जन्म ही हमारा यहाँ हुआ है, हम कुछ दिन देखने के लिए पढ़ने के लिए कि और लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनका चाल और चरित्र काम करने का शैली हम देखने के लिए गए थे। मैं तो पहले भी कहा तो ये है, तो हम तो अनुभव बताए आपको, अभी अनुभव यही मिला कि वो लोग केवल और केवल आकंठ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जनता का कल्याण कैसे हो, जनता का समस्या का अंत कैसे हो, इसे कोसों दूर हैं। उनका एक ही विजन चल रहा है कि बस अधिक से अधिक इस राज्य का लूट हो और लूट के पर्सनल व्यक्तिगत लाभ लिया जाए।